हाय दोस्तों, मैं हूं प्रफुल। आज हम देखेंगे नॉइस ट्यूनिंग लाइट ब्लूटूथ वायरलेस ईयरफोन की वारंटी के बारे में। नॉइस ट्यूनिंग लाइट ब्लूटूथ वायरलेस ईयरफोन की उसकी वारंटी हम कैसे क्लेम कर सकते हैं और वारंटी क्लेम करते समय आपको कौन कौन सी प्रोसेस करनी पड़ती है वो भी हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं तो जब भी आप प्रोडक्ट परचेस करेंगे, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी परचेस करेंगे, तो उसका वारंटी आप पहले रजिस्टर करवा दीजिए। उसका फ़ायदा एक होगा, जब भी आप प्रोडक्ट रजिस्टर करवाएंगे वारंटी के लिए तो उसका वारंटी आपको मिल जाएगा। जो भी एज पर प्रोडक्ट की पॉलिसी रहेगी उसके हिसाब से प्रोडक्ट का वारंटी पीरियड रहेगा, एक साल, दो साल, तीन साल, जो भी रहेगा। उस प्रोडक्ट को रिपेयर करने में या फिर रिप्लेस करने में आपको कंपनी मदद करती है अंडर वारंटी पीरियड। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पास, मैंने नॉइस ट्यूनिंग लाइट का वायरलेस ब्लूटूथ ईयरफोन लिया है, तो उसका भी मैंने वारंटी रजिस्टर करवाया था। वारंटी रजिस्टर करवाने के बाद मेरे को एक महीने के बाद ही मेरा ये ईयरफोन का वन साइड जो है वो बंद हो गया, वर्क करना बंद हो गया। तो मैंने वारंटी पहले जैसे लिया उसके दूसरे दिन ही मैंने वारंटी इसके वेबसाइट पे जाके रजिस्टर करवाई। फिर एक महीने के बाद जब मुझे ये इशू आया तो मैंने इसका वारंटी क्लेम किया और ये कंपनी ने मुझे नया प्रोडक्ट भेज दिया। तो अब हम जानेंगे कि इसका वारंटी नॉइस ट्यूनिंग लाइट ब्लूटूथ वायरलेस ईयरफोन का वारंटी क्लेम कैसे करना है वो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा कि आपको कौन से वेबसाइट पे जाना है और किस तरह से स्टेप बाय स्टेप आप ये वीडियो देख के आपकी वारंटी क्लेम कर सकते हैं ताकि आपका भी कोई नुकसान ना हो। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं जो इमेज मैंने अभी आपको शो किया है, उस इमेज में आपको एक साइड में कैटेगरी मिलेगा नॉइस के जितने भी प्रोडक्ट है उसकी, और उसके साथ ही साथ उसके वारंटी पीरियड आपको वहाँ पर मिलेगा। जैसे कि मैंने बताया आपको, मैंने सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। फर्स्ट लिंक आपको ओपन करना है, वो लिंक में जाने के बाद आपको इस तरह का पेज दिखेगा, उसमें आपको डिटेल फिल करना है। पूरा डिटेल फिल करने के बाद, वो फॉर्म सबमिट करने के बाद आपका वारंटी रजिस्टर हो जाएगा। उसके बाद ये ट्यूनिंग लाइट का नॉइस ट्यूनिंग लाइट वायरलेस ब्लूटूथ ईयरफोन की वारंटी 12 महीने की रहती है। तो 12 महीने के अंदर अगर कुछ आपके ईयरफोन को इशू आ जाए, कुछ अगर प्रॉब्लम हो गया, तो आप वारंटी क्लेम कर सकते हैं। तो हम देखेंगे वारंटी क्लेम भी कैसे करना है उसके बारे में भी। अब हम चलेंगे सेकंड लिंक पे। सेकंड लिंक पे आपको क्लिक करना है। सेकंड लिंक पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आपको वेब पेज ओपन होगा, उस तरह से आपको पूरा डिटेल भर देना है। वो डिटेल भरने के बाद आपको एक फ़ोटो भी अपलोड करना है, वो जैसे ही कंडीशन में उसका आपको पिक निकाल के उसमें अपलोड करना है। साथ ही साथ इनवॉइस भी आपको अपलोड करना है। आपने ऑनलाइन परचेस किया है तो उसका आपके पास इनवॉइस का पीडीएफ मिल जाता है, तो वो पीडीएफ वहाँ पे अपलोड कर देना है। उसके बाद वो सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपको तुरंत support@nextbest.com इस नॉइस की सपोर्ट टीम का मेल आ जाएगा आपके रजिस्टर मेल आईडी पे, और उसमें आपको टिकट नंबर लिखा होगा। मेन इशू आपको वहीं से शुरू होगा, जब आपको टिकट का मेल आएगा वारंटी क्लेम करने के लिए। जैसे ही आपने रजिस्टर किया है, कंप्लेंट रेज की है, उसके बाद आपका मेन काम चालू होगा, क्योंकि आपको बहुत ही ज़्यादा फॉलोअप लेना पड़ेगा। उसके बाद ही आपको वो नया रिप्लेसमेंट मिल जाएगा जल्द से जल्द। अगर आप फॉलोअप नहीं लेंगे तो वो बहुत ही लेंदी हो जाएगा, क्योंकि नॉइस का सपोर्ट टीम बहुत ही बकवास है, वो बहुत ही स्लो सर्विस है ये लोग का। तो मैं नॉइस कंपनी से गुजारिश करूंगा कि आप प्लीज़ सपोर्ट टीम पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आप इनके वजह से आप कस्टमर लॉस कर सकते हैं। अगर मैं मेरा ही एक्सपीरियंस बताऊँ, मैंने फ्लिपकार्ट से नॉइस ट्यूनिंग लाइट ब्लूटूथ वायरलेस ईयरफोन लिया, वो परचेस करने के 2 महीने बाद ही उसको मुझे प्रॉब्लम फेस हुआ। एक उसका ईयर टिप खराब हो गया, तो मैंने उसका वारंटी क्लेम करवाया। तो वारंटी क्लेम करवाने के बाद सेम प्रोसेस से मुझे एक टिकट रेज होके मेरे को एक मेल आ गया कि आपका ये है वो मैंने आपको शो किया है, इस तरह से मुझे मेल आया। वो मेल आने के बाद मुझे फॉलोअप लेना पड़ा। जैसे कि वहाँ पे मेंशन किया है 7 से 8 दिन में आपको वो रिप्लेसमेंट दे देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, वो पूरा झूठ बताया गया है। उन्होंने कम से कम मुझे, मैंने फॉलोअप किया तो फॉलोअप करने के बाद 20 दिन के बाद मुझे
नया प्रोडक्ट मिला। एक अच्छी बात मिली कि मुझे नया प्रोडक्ट मिला, रिप्लेसमेंट में रिपेयर करके मिला नहीं है, लेकिन उनका जो सर्विस है वो बहुत ही बकवास है। अगर कोई भी लेने वाला है तो मैं सजेस्ट तो करूँगा ये ईयरफोन बहुत अच्छे है। थोड़ा प्रॉब्लम भी है इसमें, इसके प्रोज एंड कॉस मैंने पहले ही रिव्यू कर दिया है, वो रिव्यू का आप वीडियो देख सकते हैं और अनबॉक्सिंग भी मैंने आई बटन पे डाल दिया है, वो आप देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगी कि आपको ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर आप सर्विस का देखेंगे तो सर्विस बहुत ही बकवास है, बेहद ही ख़राब इनका सर्विस है, क्योंकि इनके रिप्लेसमेंट का प्रोसेस भी बहुत ही लेंदी है। फर्स्ट टाइम जब मैंने मंगाया तो मुझे 20 दिन लगे, 20 दिन के बाद मुझे रिप्लेसमेंट मिला फर्स्ट टाइम का। जब मुझे ये रिप्लेसमेंट मिला, वो रिप्लेसमेंट मिलने के बाद मैंने फिर से वारंटी रजिस्टर करवाई, जो भी मुझे रिप्लेसमेंट होके आया हुआ था ईयरफोन उसका, लेकिन उसका भी प्रॉब्लम हो गया, वो भी कुछ 10 दिन में सेम उसका इश्यू हो गया, दोनों भी ईयर डिप उसके बंद हो गए। तो फिर से मैंने क्लेम किया, लेकिन इस बार हद कर दी वो लोग ने। फर्स्ट टाइम जब किया फ्लिपकार्ट ने, जो फ्लिपकार्ट से जो मैंने मंगाया था तो फ्लिपकार्ट ने ही वो पिकअप अरेंज करवाया था। सेकंड टाइम नॉइस ने मुझे भेजा था रिप्लेस करके। सेकंड टाइम जब मैंने वारंटी क्लेम किया, उसका रिप्लाई जब आया मुझे नॉइस से, तो इस तरह से आया था, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, कि वो हमारा जो ईयरफोन है आपको खुद से उनके दिए हुए एड्रेस पे, जो गुड़गांव का एड्रेस वहाँ पे दिखा है, वो एड्रेस पे आपको सेंड करना है। तो वो आपको दिक्कत है कि सेकंड जब आप अगर नॉइस से आपने मंगाया है तो आपको खुद से कुरियर करके वो भेजना पड़ता है। तो वो मैंने भेजा, उसके बाद मैंने फॉलोअप लिया, तो बहुत फॉलोअप लेने के बाद सेकंड टाइम का जो रिप्लेसमेंट है, आप सच नहीं मानोगे, मुझे मैंने काउंट किया है पूरा डेज, 95 डेज के बाद, यानी कि लगभग 3 महीने के बाद मुझे रिप्लेसमेंट दिया है। इतना ख़राब सर्विस है नॉइस कंपनी का। तो मेरी दरख्वास्त है नॉइस कंपनी से, आप प्लीज़ आपकी सर्विस को अच्छा कीजिए, कुछ ऐसा प्रोसेस बनाए कि हमें यानी कि कस्टमर को ज़्यादा फॉलोअप लेना ना पड़े। और आपने जो भी टैग दिया है, जो भी टाइम दिया है, उस टाइम में ही आप वो डिलीवरी दे दीजिए। अगर आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट परचेस किया है तो जितना जल्दी हो सकता है आप वारंटी को रजिस्टर करवाएं, और रजिस्टर करने के बाद आपको अगर कुछ इश्यू आ गया प्रोडक्ट में तो आपका रिपेयरिंग कॉस्ट बच सकता है। इसलिए आप जो भी प्रोडक्ट लेंगे उसको आप वारंटी रजिस्टर ज़रूर करवाएं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और कोई भी आपको प्रॉब्लम है YouTube रिलेटेड, ब्लॉगिंग रिलेटेड, या फिर कोई प्रोडक्ट रिलेटेड कुछ भी इश्यू रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, उसका सॉल्यूशन मैं ढूंढ के आपको एक वीडियो बना के दे दूंगा। और अगर आपको ये प्रोडक्ट परचेस करना है तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपको इसका रिव्यू देखना है तो ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक कीजिए, आपको इसका रिव्यू भी मिल जाएगा, इसका अनबॉक्सिंग भी मिल जाएगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और बगल वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, साथ ही साथ ऑल को सिलेक्ट करना ना भूलिए, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, फिर मिलेंगे।